बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद कर दी मेरे भैन भरा ठीक हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह से भी ठीक है। अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे, आबाद रखे। तो अजब लोग कर दे शुरू, तो माशाल्लाह जी ठंडी ठंडी हवा दे, ठंडी ठंडी सुबह मुबारक हो सारे भैन भरावान। तो अम्मा जी ने नाश्ते से पहले ना चने खाते हैं, कहते हैं कि खाली पेट चने खाओ ना तो मेदा सही होता। लकड़ा जी टुकिया से ना वो तो खत्म हो गया, तो हम जो दोबारा लकड़ा टुक के फिर जो नाश्ता बनाना स्टार्ट कर। अम्मा जी ने खुटे गिले साइड से बैठे हैं, तो एकदम ही ना जी रोना का एकदम अम्मा के उत्ते अम्मा जी के ऊपर आके ना तो चपके कहते ओए अल्लाह। अम्मा जी जेड़ा एक पर अपने जो बर्तन है ना तुम खुडे के उपर रख दो इटा जी इटा जोड़िया अलहमदुल्ला जी नाश्ता वगैरह कर लिया, कलीड़ जी ना इधर चूल्हे के नाल लगाई दी ता करके धोने वेली हुई है। हूँ जो अम्मा जी दी चादर धोने वाली सी, मैं चलो ना मशीन लगा के ना अम्मा जी की चादर भी धो दें, पैप तो कल ही ले आंदा सी मशीन का। अम्मा जी हजे खाना खा रहे, अम्मा जी खाने का मजा आ रहा माशाल्लाह, बड़ा मजा आ रहा अम्मा जी ने। अज सिर्फ प्याज छिले है, तो इन्नी करतन अखा जो बच पई ना तो वो बस करा दे। माशाल्लाह अम्मा जी ने करेले कट लिया, तो हूँ मैं इन्होंने छेती के धो के नमक लगा लैनी हूँ ताकि इन्हों का जो कड़वापन खत्म हो जाए। जिस तरह अम्मा जी की जी चादर है ना हनी ये हम अगर धुंदा शुरू हो जानी है,
ਤੇ ਠੰਡ ਜੀ ਤੇ ਸੁਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਦੇ ਇਸ ਲਈ ਅੰਮਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਧੋ ਦੋ ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਅੰਮਾ ਜੀ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵੀ ਧੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਿਚੋੜਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ ਸੁਬਹ ਨੂੰ ਧੋਵਾਂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਹਾਂਡੀ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਤਵੱਜੋ ਉੱਧਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਇੱਧਰ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਅੰਮਾ ਜੀ ਫੜ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਛਾਂਡੀ ਛੋੜ अम्मा जी दे जोर जो बराबर का है देख लो ये अम्मा जी ने देसी चीजा की खुराक की वजह तो अम्मा जी दी बाहां है ना थकिया नहीं है तो मैं थक गई हूँ इन्नी जोर जोर के छंडे अलहमदुल्ला जी बर्तन भी धोते पे सब्जी धोती पी है चूल्हे लकड़ा भी रख दी है हम सिर्फ करेलिया की देर है जिदा ही करेले पहले फ्राई करने फिर बाकी मसाला जोड़ा वा तैयार करा नमक लगा नमक उत्ते पाता हम चंकी तरह मसल लेंगे सुखा धनिया तो जरा जीरा ना उन्होंने मैं गर्म मसाले जीरा जरा अलग कर लगी साफ सुथरा करके रख ली थोड़ा जहा जिन्ना के इस्तेमाल तीन चार हांडिया तो हो जाए बाकी फिर जरा बाद साफ करके रखूंगी मैं सुनिया कि ना जो सरसों के तेल के करेले बने होना तो बड़े मजेदार बनते हैं तो मैं क्या चलो अज अस भी बना के देखते हैं कि मजेदार करेले बनते हैं कि नहीं बनते बिस्मिल्लाह अलहमदुल्ला जी अग भी बल गई है तेल नारे जरा पेड़ ना कड़कन लग गया वा कहीं जो मैं थाली चक्की ना तो कितने मेरे ऊपर आ गया गर्म गर्म करेले देखो तो इन्ने के तले हुए सही है मैं कहनी ज्यादा तले दे कोई खुशबू हो जानी सूख जानी इन्ने बहुत तक हो सकता तरने
अम्मा जी कह रहे कहने बस कर इन कट लकड़ लग जल्दी जल्दी। मैं क्या अम्मा जी कट रही है करेले ते मटर आज मैं बनाने हैं, तो जेड़े मटर है ना मैं पहले थोड़े ना फ्राई कर लेनी है ताकि ना सानी मसाला जेड़ा तैयार करेंगे तो उधर मसाला ज़्यादा नहीं तलना पड़े। अल्हम्दुलिल्लाह जी प्याज में छुपा देते हैं कढ़ाई के वे हमें फ्राई होंगे या उन्हें जरना अदरक लहसुन के हरी मिर्चा कोट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हांडी भी कम तैयार हो गई है तो धनिया भी पा दिता हूँ जी रोटी बनाने का टाइम आ गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी चूल्हा जेड़ा ना सर्दियां नूं फुल सर्दियां जदों धुंद पैण शुरू हो जाणी है उस टाइम भी एक कम देगा हीटर की जगह पर, तो जिदा हूँ बलदा पे ना इस तरीके असं चुक के अंदर रख लिया करना कमरे च इदी बलदा हो कमरा भी निघा हो जाया करेगा और आराम न बैठ के कोल खाना भी खा लिया करेंगे। अम्मा जी सारे खा के चेक करके दसो कि अलहमदुल्ला जी खाना खा लिया वा तो हम जो तुम्हें पता कि जिदा सर्दियाँ वा तो फिर 43 डिग्री शुरू हो जाती है इस तरह ना चीज़ा जीडिया अंदर रख लेंगी हूँ जो बिस्तरे वगैरह इन्हें मैं झाड़ के ना अंदर रख लेंगी। सॉरी मैं तुम्हें कहता था कि बिस्तरा बिस्तरा नहीं है दरी है तो इधर अम्मा जी ने अपने जेडे देसी रूई पा के इन्हें बनाई हुई है पैरों से रख बिछाने वास्ते ये समझो कि इन गद्दा कह सकते हो। अलहमदुल्ला जी लकड़ियाँ का जो डब्बा है ना मैं पूरा लकड़ियाँ का ना भर के रख लिया छोटे छोटे टुकड़े ताकि ना मैं खाने बनाने की ना टेंशन ना हो। अज अम्मा जी ने कहना कि सारा जो अगर फ्रिज रख दी तो अज अम्मा जी कह रहे हैं कि बाहर रख दें क्योंकि ठंड तो हैगी है सारा कहना खराब हो बाहर चूल्हे तो रख दें ताकि ना त्रेल ठंड की वजह से खराब नहीं बिल्ली ताकि सालन डोले ना इसलिए उसे कूदी रह जाएगी।
ਦੁੱਧ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਚੇਤੇ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੁੱਧ ਲਿਆਣੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਵਰਨਾ ਦੁੱਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਸਮਝੋ ਦੁੱਧ ਤੋਂ अलहमदुल्ला जी दुध लैके घर आ गए हैं तो छापर जेड़ा ना मैं इत्थे रख दिंदी हां क्योंकि ना सानू इत्थे इत्थे आराम ना चुको तो इस्तेमाल कर लो अगे इधर उधर रख दो उन्हां दा फिर चेता नहीं रहिंदा छापर लभदे रहिंदे ते नाले अज दे व्लॉग दा मैं इत्थे ही एंड करूंगी उम्मीद करदी मेरे भैन भाइयों ने साडा अज दा व्लॉग पसंद आया तो साडे चैनल लाइक करो शेयर करो सबसक्राइब करो और अपनी फैम जरूर शेयर करो अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे आबाद रखे अपना और अपनी फैम दा बहुत ज्यादा ख्याल रखियो अल्लाह हाफिज़।